घर में अचार बनाने का ट्रेडिशन खत्म होता जा रहा है आजकल लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो इसलिए वो मार्केट से खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं पर फिर भी घर के बनाए हुए अचार की जो बात है वो मार्केट के बनाए हुए अचार में नहीं होती है तो आज हम बना रहे हैं लाल मिर्च का भरवा अचार नमस्कार स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रहणी अमेजिंग किचन में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पर उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन लाल मिर्च का भरवा अचार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है वो मोटी वाली लाल मिर्च ली है और ये आसानी से हमें मार्केट में मिल जाती हैं लाल मिर्च को मैंने जो है वो अच्छे से पानी से धो लिया है और धोकर इसको पोच कर मैंने जो है वो धूप दिखाई है करीबन दो घंटे मैंने इसे धूप में रखा है ताकि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो अच्छे से निकल जाए अब हम इसकी जो पीछे की जो डंडी है उसको हम पूरा नहीं काटेंगे सिर्फ उनको एजेस से हम कट कर लेंगे देखिए मैंने सारी जो मिर्ची हैं उनके एजेस जो थे नंडी के वो मैंने काट लिए हैं अब हम इस मिर्ची में बीच में से हम चीरा लगाएंगे ऐसे हमें जो है एक लंबा सा इसमें कट लगाना है ताकि हम इसमें जो है वो मसाला भर सकें अब सब में हमने कट लगा लिया है अब हम इसके बीच के जो बीज हैं वो एक प्लेट में निकाल लेंगे देखिए सारे बीज जो है वो हम एक प्लेट में निकाल रहे हैं मिर्ची का अचार पराठे के साथ दाल चावल के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और घर का बना हुआ अचार उसकी तो बात ही कुछ और होती है बाज़ार के बने हुए अचार में जो है वो प्रिजर्वेटिव मिक्स होते हैं तो थोड़े टाइम के बाद जो है वो अचार का टेस्ट जो है वो चेंज होने लगता है तो घर के बने हुए अचार में ऐसा नहीं होता है घर का बना हुआ अचार जो है उसका फ्लेवर बहुत अलग आता है तो यहाँ पर हम सारी मिर्ची के ऐसे बीज निकाल लेंगे देखिए यहाँ पर जो है वो हमने सारी मिर्ची का बीज जो है वो बाहर निकाल लिए हैं और हमें जो है वो मिर्ची अंदर से जो है वो बिल्कुल ऐसे क्लीन कर देनी है और हमें इस अंदर के जो बीज हैं इन्हें फेंकना नहीं है बल्कि इसे हम जो है वो मसाले में साथ में पीसेंगे स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं पाँच बड़े चम्मच साबुत धनिया चार बड़े चम्मच सौंफ तीन बड़े चम्मच ज़ीरा एक चम्मच काली मिर्च एक चम्मच मेथी दाना वन फोर्थ कप पीली सरसों और वन फोर्थ कप काली सरसों और इसे हमें जो है वो अब सेकना है धीमी आंच में हमें इसे सेकना है बस इतना ही हमें आधे मिनट के लिए सेकना है कि ये जो है वो थोड़ा गर्म हो जाए इसके अंदर जो नमी है वो नमी जो है वो सूख जाए बस इतना हमें इसे सेकना है जब मसाला सिक जाएगा तब हम इसमें सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसको बस हम थोड़ा सा इसमें चलाएंगे अब जो है वो हमारा मसाला जो है अच्छे से रोस्ट हो गया है इसे हम जो है वो एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये जो है वो जल्दी ठंडा हो जाए ये ठंडा होगा उसी के बाद हम इसे जो है वो पीसेंगे जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर तेल गरम कर लेते हैं अचार में ज़्यादातर सरसों का तेल ही डलता है उससे क्या है अचार की जो ड्यूरेबिलिटी है वो लंबे समय तक रहती है अचार जो है वो लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं तो यहाँ पर हम सरसों के तेल को गर्म कर रहे हैं देखिए हमारा तेल जो है वो अब अच्छे से गर्म हो गया है इसमें से तो धुआं निकल रहा है मतलब ये इसकी सारी धास जो है वो निकल चुकी है तो अब हम इसे जो है वो ठंडा होने के लिए रखेंगे सिर्फ हमें इसे गुनगुना होने तक ही ठंडा करना है पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है हमारा मसाला जो है वो ठंडा हो गया है और अब हम मसाले को जो है वो अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंड करें मसाले को मैंने एक बोल में शिफ्ट कर दिया है इसमें हम एक बड़ा चम्मच जो है वो अजवाइन ऐड कर रहे हैं और साथ ही में हम इसमें ऐड कर रहे हैं एक चम्मच हींग फिर हम इसमें ऐड करेंगे चार बड़े चम्मच आमचूर अमचूर जो है वो अचार में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच कलौंजी दाना फिर हम इसमें डालेंगे दो चम्मच हल्दी और फिर हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च याद रखिए लाल मिर्च आपने जो है वो इसमें पीसी भी है तो इसलिए थोड़ा कम ही रखिएगा और साथ ही में हम ऐड करेंगे नमक नमक स्वाद के अनुसार डालें हो सके तो थोड़ा जितना आप नॉर्मल खाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें क्योंकि अचार में जो है वो नमक थोड़ा ज़्यादा अच्छा बार लगता बार है मिक्स कर लेंगे मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जो तेल गरम करके रखा था जो अब थोड़ा गुनगुना हो गया है वो हम इसमें ऐड करेंगे गुनगुना तेल जो है वो मसाले में डालने से क्या होता है कि मसाला अगर थोड़ा कच्चा भी रह गया है तो उसका जो कच्चापन है जो फ्लेवर है वो कच्चेपन का फ्लेवर नहीं आएगा तो इसलिए हम इसमें गुनगुना तेल ऐड कर रहे हैं अब हमारा मसाला जो है वो स्टफिंग के लिए बिल्कुल रेडी है अब हम इसे जो है वो मिर्ची में स्टफ़ कर देंगे तो हम मिर्ची को अच्छे से हमें स्टफ़ करना है ऊपर तक अच्छे से पूरी मिर्ची को फिल कर देना है मसाले से प्रेस कर करके अच्छे से मिर्ची को फिल करना है यहाँ पे हमारी आ, सारी मिर्ची जो है वो बिल्कुल अच्छे से स्टफ्ड हो गई हैं तो यहाँ पर मैंने एक कांच की बरनी ली है और उसे मैंने अच्छे से धोकर धूप में सुखा दिया था ताकि इसकी जो अंदर का सारा मॉइस्चर है वो निकल जाए बरनी जो है वो बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल अच्छे से सूखी भी होनी चाहिए तो अब हम इसमें जो है इस मिर्ची को डालेंगे जब बरनी आधी भर जाए तब हम उसमें जो है पहले थोड़ा तेल डालेंगे जो हमने तेल गरम करके रखा है फिर ऑयल डालने के बाद हम फिर से इसमें मिर्ची डालेंगे मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी मिर्ची डाल के उसमें तेल डालना है हमें फिर हमें फिर से मिर्ची रखनी है और फिर हमें उसमें फिर से ऊपर से तेल डालना है मिर्ची का अचार जो है वो बिल्कुल रेडी है याद रखिए मिर्ची के अचार में जो है वो तेल ऊपर तक होना चाहिए आ, अचार जो है वो तेल में अच्छे से डूबा हुआ होना चाहिए तो ही वो आ, लास्ट करेगा आप उसे ज़्यादा दिन तक यूज़ कर सकते हैं तो अब हम इसको कवर कर देते हैं और इसे हमें कम से कम पाँच से दस दिन तक इसे हमें धूप दिखानी है तो क्या मिर्ची थोड़ी सॉफ़्ट हो जाएगी तो लीजिए हमारा मिर्ची का अचार रेडी है देखा आपने मिर्ची का अचार बनाना कितना ईजी है आप इसे ईजिली बना सकते हैं मार्केट के जो अचार हैं उनसे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही नई नई रेसिपी सीखने को मिल सके तो अगली बार फिर हाजिर होती हूँ कुछ नया जायका लेकर कुछ नए किचन टिप्स के साथ तब तक के लिए नमस्कार